हेलो फ्रेंड्स, तो आजकल ओडीआई क्रिकेट और टी20 क्रिकेट बहुत फेमस हो रही है, तो उसमें कभी कभी स्विंग बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और थोड़ी ज़्यादा तेज़ बॉल डालने के लिए बॉलर्स यूज़ करते हैं क्रॉस सीम बॉल। आज मैं आप लोग को अपने इस वीडियो में बताऊँगा कि आप एक क्रॉस सीम डिलीवरी कैसे डाल सकते हैं, अलग अलग टाइप की क्रॉस सीम डिलीवरी और उसमें वेरिएशन तथा सीम। तो दोस्तों, मैं और आप देख रहे हैं स्पिन टू विन। तो एक क्रॉस सीम डिलीवरी ज्यादा बहुत टफ नहीं है, हमको सिंपली बस बॉल को जैसे इसको सीम कहते हैं, सीम पे पकड़ते हैं, उसी तरह क्रॉस सीम आप नाम से समझ सकते हैं कि बॉल को हमको ऐसे पकड़ना है, क्योंकि एक स्पिनर ऐसे ग्रिप लेता है, वैसे ही क्रॉस सीम को भी ऐसे हमको बॉल रखनी है और उस पर ऐसे ग्रिप लेनी है। तो सिंपल क्रॉस सीम डिलीवरी की ग्रिप ये हो जाएगी। आपको बॉल डालनी है, देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा, जब स्विंग ना हो और जब बॉल बहुत हार्ड होगी और तेज निकालनी तभी आप क्रॉस सीम डालें, वरना सीम डालें, स्विंग डालें, इन स्विंग आउट स्विंग मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, आप मेरा चैनल देख सकते हैं। तो क्रॉस सीम तो पहले सिंपल ये, और क्रॉस सीम डालने के आप कुछ भी डाल सकते हैं, बस सीम बिना पकड़िए बॉल तेज ही जाएगी। तो क्रॉस सीम की ग्रिप आप अमूमन ऐसे भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं साइड से थोड़ा, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस सीम में एक चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि जब बॉल स्विंग ना हो रही हो और आपको तेज डालनी हो अंत के ओवर या मिडिल ओवर में, तभी आप क्रॉस सीम का यूज करें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो एक थम्स अप दें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट दें नीचे, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बाय, देखते रहिए स्पिन टू विन।